वापी के डूंगरी फलिया में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ट्यूलिप का भव्य शुभारंभ रविवार की सुबह वापी के डूंगरी फलिया वासियों के लिए पांडे दंपति एक नई सौगात लेकर आए। श्री रामनगर में संवेदना हॉस्पिटल चलाते हुए उन्होंने वापी वासियों को एक और नया हॉस्पिटल दे दिया। ट्यूलिप नामक इस हॉस्पिटल में लगभग वे सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो मरीजों के लिए जरूरी होती हैं। इस हॉस्पिटल में 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे और यहां सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं जो एक बड़े हॉस्पिटल में होनी चाहिए। डूंगरी फलिया में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, लेकिन ट्यूलिप के खुलने के बाद डूंगरी फलिया वासियों के लिए यह एक वरदान साबित होगा। यहाँ के हजारों मरीजों को कहीं अन्यत्र भटकना नहीं पड़ेगा। ट्यूलिप हॉस्पिटल को डॉक्टर राजीव पांडे और डॉक्टर शोभा एंडी संचालित कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है यह हॉस्पिटल डूंगरी फलिया वासियों के लिए लाइफलाइन सिद्ध होगा। ये हॉस्पिटल हम पहले छिरी में बेस थे, अभी हम डूंगरी फलिया और करवड़ गांव में हमने ये हॉस्पिटल खोला है। इसमें हमारा 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज सब अवेलेबल है, 24/7 फार्मेसी है, एक्सरे का यूनिट है, जल्द ही महीने दिन के अंदर सोनोग्राफी की मशीन आ जाएगी। बाकी डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक अवेलेबल हैं। फुल टाइम हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट है, फुल टाइम पीडियाट्रिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विभाग के डॉक्टर और बच्चों के डॉक्टर दोनों, और मेडिसिन में मैं फिजिशियन हूँ। और बाकी हम ऑपरेशन थिएटर भी है, आईसीयू है, हर प्रकार का ट्रॉमा, बीमारी, बुखार, खांसी, शुगर, बीपी, ये सबको हम केटर करते हैं। ये हमारे लिए नया वेंचर है इस विस्तार में, तो हम इसीलिए ये सब फैसिलिटी लेके, सर्विसेज लेके आपकी सेवा में हाजिर। ये हॉस्पिटल में टोटल जनरल वार्ड से स्पेशल वार्ड से कितने बेड्स हो गए टोटल? कुल मिला के करीबन 70 से 75 बेड जितना यहाँ पे फैसिलिटी है। आईसीयू, ओटी, एनआईसीयू, बच्चों के, छोटे बच्चों के बेड्स वगैरह सब मिला के। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर शोभा के एंडी, मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। जब प्रिंसिपल गया ना, हमने तो अपने को पूरा था। खबरों में बने रहने के लिए K29 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।